विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज. अब देखिए इनमें से क्या रिन्यूएबल सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज नहीं है, तो आंसर है डी. ठीक है, मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्यों कौन से हैं जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है. अब देखिए इनमें से सॉल्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. देखिए द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ. अब देखिए जो एक फ्रेज है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, ये किसके संदर्भ में है, तो आंसर आएगा उसका सी, यानी कि डिग्रेशन ऑफ न्यू रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज. ठीक है, द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड. अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उसको इंडिया में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिससे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी कितनी परसेंटेज है, तो उसका आंसर का सी 10 से 12%. ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोचेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर ढूंढना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच. नेक्स्ट है विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन. ठीक है, देखिए विश्व में जो 2/3 है कि 2/3 जो वाटर कंजम्पशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर, आंसर है ए, एग्रीकल्चर. जैसे आपको मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, इरीगेशन के लिए. वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर. ठीक है, आपके सामने चार जो ऑप्शन है, राइट आंसर है सी, इनकी फॉर्म इंडस्ट्री. ठीक है फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम ए कंट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. अब देखिए CO2 यानी कि सबसे ज़्यादा गैस जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है कौन से देश से निकलती है, हमें वो इसका जो सीक्वेंस बताना है. ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना, USA, इंडिया और रशिया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही है. SNP वेव्स आर एसोसिएटेड विद, देखिए SNP वेव्स किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से. मिनामाटा डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू. मिनामाटा डिजास्टर जापान में आया था किसके, पोल्यूशन के कारण, मरकरी के. ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड इज, आंसर है सी, हाइड्रो पावर. इन केस ऑफ अर्थक्वेक एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल इम्प्लाइज, तो आंसर है इसका ए. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमन, आंसर है डी, ड्रॉट एंड फ्लड. देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, ड्रॉट एंड फ्लड से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डिसर्टिफिकेशन. ठीक है, डिसर्टिफिकेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, तो आंसर आएगा अफ्रीका. लहर इज ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग, तो आंसर आएगा ए, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंडर है, वो है होम्स अफेयर के अंदर. द साइक्लोन हुडहुड हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, जो हुडहुड साइक्लोन है जो चक्रवात है वो कौन सी स्टेट में आया था, तो आंसर इसका ए, आंध्र प्रदेश में. तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन. ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट नेचुरल हैजार्ड्स. अब देखिए इसमें से कौन सा जो एक घटना है, कौन सी घटना है जो नेचुरल हैजार्ड्स नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केमिकल कंटेमेशन. तो फ्रेंड्स ये था पार्ट नंबर 4, तो उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6. इसमें हम आपका इसमें ये हमारा जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो ख़त्म हो जाएगा. तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए. आपको मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे से हो सकी है मैंने आपको कंप्लीट दे दिए, आप ये दे सकते हो. तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद.